हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। आज की रेसिपी में हम आपके लिए टमाटर की नमकीन चटनी लेकर आए हैं। इसे हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीक़े से बना के दिखाए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आपके साथ मिलकर टमाटर की नमकीन चटनी बनाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से पका हुआ हमें टमाटर लेना है, याद है कच्चा टमाटर नहीं लेना है, एकदम पूरा पक्का होना चाहिए टमाटर। और टमाटर को हमें अच्छी तरह से वाश कर लेना है। उसके बाद गैस को ऑन करेंगे, उस पर हम तवा रखेंगे, इस तरह का तवा, उस पर हम टमाटर को रख कर इस तरीके से पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो करके पकाना है हमें टमाटर, हाई नहीं। यहाँ देखिए उलट पुलट के इस तरीके से हमारा टमाटर पक गया है अच्छी तरह से। सारे टमाटर को हमें इसी तरह पका लेना है। जितना भी हम टमाटर रखे उसको इसी तरह पकाना है। पकने के बाद जब ये टमाटर ठंडा हो जाए तो हमें इसका आहिस्ता आहिस्ता इसका छिलका उतार लेना है इस तरीके से। सारे टमाटर का छिलका हमें हटा लेना है। यहाँ देखिए इस तरीके से हम सारे छिलके टमाटर का उतार लेंगे। यहाँ पे हम सारे छिलके उतार लिए हैं टमाटर के। अब हम इसे मिक्सी जार में रखेंगे और इसे हम इसका प्यूरी बनाएंगे। तो उससे पहले आप एक बार सामग्री देख लीजिए। यहाँ पे हम एक मूली लिए हैं जिसे बारीक काट लिए हैं, नमक लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, मस्टर्ड ऑयल लिए हैं और हरा लहसुन लिए हैं। और यहाँ पे लहसुन धनिया का पत्ता है। पैन को आप गरम करेंगे। जब गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ऑयल रखेंगे, लगभग एक चम्मच। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो हम इसमें बारीक कटा हुआ फ्रेश लहसुन रखेंगे। इसी में हम ऐड करेंगे हरा मिर्च। गैस का फ्लेम लो करके इसे हम पकने देंगे। जब इसका कलर हल्का चेंज हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और धनिया का पत्ता ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए पकने देंगे। यहाँ पक गया, अब हम इसे किसी बर्तन में निकालेंगे। इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब देखते हैं टमाटर भी ठंडा हो गया होगा। यहाँ देखिए पूरी तरह से टमाटर ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी जार में रखेंगे, इसे अच्छी तरह से अब ग्राइंड करेंगे। यहाँ देखिए ग्राइंड कर लिया, अब इसे किसी बर्तन में निकालेंगे मिक्सी जार से। अब जो हम हरा लहसुन धनिया पत्ता हरी मिर्च रखे थे उसको अब हम मिक्सी जार में रख कर इसे भी दरदरा कर लेंगे। पानी इसमें नहीं रखना है। यहाँ देखिए इसी तरह से कर लेना है। अब हम इसे मिक्सी जार से निकाल कर टमाटर जिस बर्तन में रखे हैं उसी बर्तन में इसे भी डालना है। अब हम इसमें बाकी सामग्री ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ मूली, नमक, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब ये हमारा टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। थोड़ा सा अच्छा लुक देने ऊपर से धनिया का पत्ता डाल देंगे। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये टमाटर की चटनी लगती है। अब हम इसे थोड़ा नया लुक देंगे क्योंकि हमें पिक्चर लेना है, तो इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा धनिया का पत्ता से, हरी मिर्च। फ्रेश धनिया और एक इसमें छोटा सा मीडियम साइज का मूली रखेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर की नमकीन चटनी बनकर तैयार है, जिसे अब आप मनपसंद खाने के साथ इसे ले सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें थोड़ा सा हम एक दो टमाटर भी ऐड कर देते हैं अच्छा लगने के लिए। यहाँ देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है और आप इसे ले सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे टमाटर की चटनी कितना आराम से कितना टेस्टी बन गया है। तो इस तरह की आप भी टमाटर की चटनी अपने घर पे बनाइए और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कैसा बना और आपको कैसा लगा खाने में। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच।